नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद भादो द्वादशी को बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। बछ बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। गाय का बछड़ा ना मिले तो बछबारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रिय भक्तों, जो भी इस कथा को पूरे सच्चे दिल और अपने हृदय से ध्यान से सुनते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मित्रों, हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। आपको हम इस वीडियो में दो कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने सात बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड्ढे बेटे या अपने बड्ढे पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड्ढी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड्ढे पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। बड्ढे बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड्ढे बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड्ढा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो मित्रों, दूसरी कथा यहाँ है कि एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछ बारस है, मैं तो वन में जा रही हूं, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ा लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूं ला और धान उला को पका लेना। गेहूं ला और धान उला, उनके यहां गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वे गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ी डीढ़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़ है। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ीढों को छोड़ दो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ीढों की पूजा करेंगे। दिन है आज बछ बारस का दिन है। बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांदी में से जीवित बछड़े कूद कर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछ बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। प्रिय भक्तों, हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। श्री
अगर आपको यहाँ कथा अच्छा लगा है तो अपने दोस्त, मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।